राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र बनाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की।